सब्सक्राइब करें ट्रैवल टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एसुस लेकर आ गए अपना एक और नया स्मार्टफोन एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2। और दोस्तों, आज इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाले हैं, बॉक्स कंटेंट और क्या नया फीचर है इसमें, क्योंकि एसुस लेकर आ गए इसमें 5000 mAh की बैटरी। और ये 5000 mAh की बैटरी किस प्राइस रेंज में है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। तो हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है नसीरुद्दीन शेख और आप देख रहे हैं ट्रैवल टेक चैनल। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 का बॉक्स, एक अपने अलग ही नए अंदाज में। और यहाँ पर भी मेंशन है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2, हालांकि पीछे की तरफ कुछ यहाँ पर IMEI की डिटेल्स है और उसी के नीचे कुछ हाइलाइट्स अवेलेबल है, जिसमें है 4D ब्लू, 4GB रैम, 64GB की स्टोरेज, यहाँ पर ड्यूल सिम LTE सपोर्ट के साथ 6.3 इंचज़ का फुल HD डिस्प्ले। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर। फ्रंट कैमरा यहाँ पर मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल, और ड्यूल रियर कैमरा सेटअप जो है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर आपको चिपसेट 14 नैनोमीटर का मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी। बाकी दोस्तों, अगर इस साइड की मैं बात करूँ तो जो यहाँ पर प्राइसिंग अवेलेबल है 17,999 रुपये, बट ये इजीली आपको 15,000 के आसपास मिल जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हटाते हैं इस प्लास्टिक को। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हमें सामने दिख जाएगी वो है ये एक सेक्शन, जहाँ पर सामने मेंशन है वी लव फोटो, और इसके अंदर हमें मिलने वाला है वही बेसिक सा पेपर। ओके, यहाँ पर है हमारा यूज़र गाइड और वारंटी कार्ड एसुस की तरफ से, और उसके साथ है ये एक सिलिकॉन केस आपकी फ़ोन की सुरक्षा के लिए। इसके बाद जो है हमारा एसुस की तरफ से ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2। और दोस्तों, हमें अंदर मिल जाएगा एक USB 2 माइक्रो USB चार्जिंग केबल, और इसके साथ यहाँ पर अवेलेबल है चार्जिंग अडेप्टर एसुस की ब्रांडिंग के साथ, और जिसकी आउटपुट रेटिंग यहाँ पर है 5V 2A की। तो दोस्तों, सीधा आते हैं इस फ़ोन पर। तो इस प्लास्टिक को हटाने से पहले भी यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स अवेलेबल है, जिसमें है मैक्स परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा 14 नैनोमीटर चिपसेट के साथ, स्नैपड्रैगन 660 का सपोर्ट, और मैक्स बैटरी जो होने वाली है 5000 mAh की, मैक्स ड्यूरेबिलिटी आपको होने वाली है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के थ्रू। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैक्स मिलेगी। तो मैं हटा देता हूँ इस प्लास्टिक के रैप को। तो दोस्तों, बात करें अगर इसके डिज़ाइन की तो एक काफ़ी अच्छा फील देता है हाथ में, और 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी ये फ़ोन सिर्फ 175 ग्राम का है। और बैक साइड में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाएगा रियर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और नीचे है एसुस की ब्रांडिंग। और जो कैमरा सेटअप यहाँ पर मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का। और मुझे अच्छी बात इस फ़ोन की ये लगी कि यहाँ पे आप कैमरा बम जो देख सकते हैं वो है ना के बराबर। और राइट साइड में आपको मिल जाएगा पावर लॉक अनलॉक बटन, उसी के ठीक ऊपर है हमारा वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन की, ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। और दोस्तों, लेफ़्ट साइड में हमारा सिम ट्रे, जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को। दोस्तों, नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एक 3.5 mm का हेडफोन जैक, एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, एक प्राइमरी माइक्रोफोन और एक स्पीकर आउटपुट ग्रिल। दोस्तों, मैंने कर दिया इस फ़ोन को बूट और काफ़ी क्लीन UI है यहाँ पे इसका, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टॉक एंड्रॉयड। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे आप चिन देख सकते हो, और तीनों साइड में हालांकि थोड़े कम बेजल्स हैं, इसीलिए जो स्क्रीन टू बॉडी का रेशियो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 82% का। और यहाँ पे 6.26 इंचज की आपको LCD स्क्रीन मिल जाएगी, रेजोल्यूशन जहाँ पे है 1080x2280 का, जो बनाता है 19:9 का रेशियो। और यहाँ पर आपको सामने सुरक्षा मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी इसका अबाउट फोन सेक्शन भी चेक कर लेता हूँ सिस्टम, और ये मैं गया अबाउट फोन में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल जो है एसुस X01BDA, और जो एंड्रॉयड वर्जन आपको यहाँ पे मिलता है 8.1.0 का। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो यहाँ पर है 1 अक्टूबर 2018 का है, तो शायद बहुत जल्द आपको इसका नया सिक्योरिटी पैच भी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालकॉम SDM660 स्नैपड्रैगन 14 नैनोमीटर चिपसेट मिल जाता है। CPU यहाँ पर है ऑक्टा कोर का 4x2.2 GHz कोरियो 260 एंड 4x1.8 GHz कोरियो 260 का। GPU यहाँ पर मिल जाता है आपको अड्रेनो 512। और दोस्तों अगर स्टोरेज की मैं बात करूं तो ये 3 अलग अलग वेरिएंट में आता है। जो बेस वेरिएंट है 3/32 का, और इसके बाद है 4GB 64GB, और जो हाई एंड वेरिएंट है वो है 6GB 64GB का। तो ये वेरिएंट जो है वो 4GB 64GB की है, जहां पर जो अवेलेबल स्पेस है वो है 54.2GB। दोस्तों मैं अभी ले लेता हूँ इसका एक कैमरा टेस्ट, जहाँ पर मैं एक रियर कैमरा से इसकी पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, और मैं ले लेता हूँ एक सेल्फी कैमरा से भी इसकी एक पिक्चर। ओके, तो ये रही हमारी फ्रंट कैमरा की पिक्चर, और जो इसके बाद है हमारी रियर कैमरा की पिक्चर। तो डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ इसका फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक, और मैंने पहले से ही अनरोल कर लिया है। तो मैं करता हूँ इस फ़ोन को लॉक, और मैंने किया टच तो ये हो गया इंस्टेंटली अनलॉक। ये फ़ोन अभी लॉक है, यहाँ पर मैंने किया टच तो ये हो गया अनलॉक। और साथ ही मैं इसका फेस अनलॉक भी चेक कर लेता हूँ, तो ये फ़ोन है भी लॉक। और जैसे ही मैंने इसे देखा ये हो गया, ये हल्का सा थोड़ा सा डिले है बट ठीक है इस प्राइस रेंज में, और क्या चाहिए आपको। मैंने किया इस फ़ोन को लॉक, और जैसे ही मैंने इसे देखा ये हो गया अनलॉक। दोस्तों अगर आप देख रहे हैं एक मिड रेंज का फ़ोन, तो ज़रूर जाइए परचेस कीजिए इस फ़ोन को, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी, साथ ही में स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी हो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।